उसका कारण है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने इस वर्ष इस थीम को प्रतिपादित करते हुए इस दिवस को मनाने की घोषणा की है, और इसीलिए हमने आज म्यूजियम्स की शक्तियों पर इस चर्चा को करने के लिए आमंत्रित किया है हमारे साथ डॉक्टर हसमुख सेठ जी को, जो सिटी पैलेस म्यूजियम का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और वो आज चर्चा करेंगे क्योंकि वो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, साथ ही अपने सभी साथियों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी जो हमारे साथ समय निकाल कर जुड़े हैं, क्योंकि ये ऑफिस टाइमिंग्स हैं और इस समय सभी बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर आप सभी हमारे बीच हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। म्यूजियम में कदम रखते ही हम एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम टाइम मशीन की मदद से कई हजार साल पीछे चले गए हैं और अपने इतिहास को टटोल रहे हैं, उसके महत्व और प्राचीनता को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आईकॉम की एडवाइजरी कमिटी हर साल इस कार्यक्रम के लिए एक थीम तय करती है और इसके बाद यह कार्यक्रम किसी हफ्ते के आखिरी दिनों में या पूरे एक हफ्ते तक या फिर पूरे एक महीने तक भी चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इससे जुड़ी अन्य रोचक बातें हम अपनी टॉक में जानेंगे। म्यूजियम पूरी दुनिया के संग्रहालय इस दिवस को मनाते हैं और कार्यक्रम के दौरान खास तौर से संग्रहालयों के महत्व को लेकर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2019 की थीम सांस्कृतिक गढ़ के तौर पर संग्रहालय परंपराओं का भविष्य रखी गई थी। इससे पहले 2018 की थीम आपस में जुड़े संग्रहालय एक दृष्टिकोण नए लोग थी। 2017 में संग्रहालय और इतिहास अकथनीय भी कहता है संग्रहालय रहा। 2016 की थीम संग्रहालय और सांस्कृतिक परिदृश्य रहा। 2015 की थीम धारणीय सोसाइटी के लिए संग्रहालय थी और इसी तरह इस बार की थीम जो मुझे डॉक्टर हसमुख सेठ द्वारा ही बताई गई वो रखी गई है पावर ऑफ म्यूजियम। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास की यादों, उसके महत्व और प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशियों, मूर्तिकला, अन्य चीजों का संग्रह करने की वजह से म्यूजियम का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो आइए सबसे पहले माँ शारदा की वंदना के साथ अपने कार्यक्रम को आरंभ करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और इसी वंदना के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी पर इस कार्यक्रम के दौरान बना रहे और ताउम्र बना रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी। और देखिए कितना सुखद संयोग है कि सिटी पैलेस म्यूजियम के एसोसिएट क्यूरेटर डॉक्टर हसमुख सेठ हमारे साथ हैं और सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन ने भी इस वर्ष म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की एक घोषणा की है, एक पहल की है। हमारे वीसी सर का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है और वो आयोजन करने वाले लोगों के पीछे एक मजबूत पिलर की तरह खड़े रहते हैं और जैसे ही मैंने निवेदन किया आदरणीय कुलपति महोदय से तो उन्होंने तत्काल मुझे इस बात की स्वीकृति दी और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ इस आयोजन को करके कि हम बहुत कुछ जानेंगे संग्रहालयों के बारे में। हमारे साथ महाराणा ऑफ मेवाड़ फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चेल्सिया हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। हमारे फैकल्टी मेंबर सभी का, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूं क्योंकि समय को हमें देखते हुए चलना है, मैं सभी का नाम ले भी नहीं पाऊंगी, लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का पुनः पुनः अभिनंदन। और आइए अब आपको रूबरू करवा देती हूं आज की एक्सपर्ट टॉक देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर हसमुख सेठ जी से। Museums are pathways that take us on a journey from the past to the present and the anticipated future. But while these are of interest to a traveler, tourist and researcher, they are hardly used by an educator. Can museums be of any use in education? While no one would say no, the real question is how? Let's ponder on this by sharing experiments, experiences and explorations. The expert lecture will be delivered by Dr. Hasmukh Seth on the power of museums. Let me read out Dr. Hasmukh's profile before I invite him for his talk. So, main param adarniya kulpati mahoday ki
अनुमति से डॉक्टर हसमुख को इस मंच से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी. डॉक्टर हसमुख सेठ स्पेंट मोर देन अ डेकेड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकवेटिंग द बरीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्ली स्टोन एज टू द प्री मॉडर्न पीरियड. He worked on variety of subjects related to the human past, such as storage, indescript ancient mining and smelting, iconography, ancient ceramics, and so on. He was invited to share his research at more than 40 national and international conferences in India and has published around 25 research papers and articles in national and international journals, books, and excavation reports. Simultaneously, he was teaching ancient Indian history, museology, and history of science and technology in undergraduate and postgraduate classes in regional universities. He is now sharing his experience as associate curator at the City Palace Museum, Udaipur, and engaged in curation, documentation, research, conservation, and bearing several other related responsibilities since 2013. So now I welcome Dr. Hasmukh Seth to deliver his expert talk. Dr. Hasmukh, please. Thank you so much, ma'am, for this wonderful introduction. Am I audible? Yes. Okay. Yes, please. So first of all, I would like to wish everyone the International Museum Day. And I also like to thank the people who work for the museum, who like museum, visit museum, and the people who are present here to join this talk. Let me share my screen first. डॉक्टर हसमुख अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं. जी सर, स्वागत. मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरा पीपीटी. ओके, आई थिंक इट इज विजिबल. मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की. जो लोग इस टॉक के लिए जुड़े हैं हमारे साथ में, राजस्थान, भारत के किसी भी हिस्से से. आज के प्रेजेंटेशन की जो सोच है, जो थीम है, तो पावर ऑफ म्यूजियम के बारे में बताना है कि भाई डॉक्टर हसमुख सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर. एक बार अपने सिस्टम का वॉल्यूम चेक करें. अभी वॉइस क्लियर है, अब आप सुन पा रहे हैं सर? बहुत धीरे आ रही है. आ रही है, लेकिन बहुत धीरे आ रही है. हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं. अभी आप सुन वॉल्यूम को आप फुल करें अगर संभव हो तो. सर आप ईयरफोन्स यूज कर लें, अगर वहां से वॉल्यूम क्लियर नहीं आ पा रही हो तो ईयरफोन से थोड़ी सी तेज आ जाती है आवाज. ईयरफोन यूज करा मैं, अभी सुनाई दे रही है जी. मैं वापस से करता हूं जॉइन. हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हां जी, अब क्लियर है सर. ओके मैम, चलिए मैं शुरू करता हूँ. तो मेरा नाम डॉक्टर हसमुख सेठ है. मैं एज असिस्टेंट क्यूरेटर द सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में काम कर रहा हूँ. और जो ये थीम है आज के म्यूजियम की, म्यूजियम डे की, आई थिंक द जो मानी गई है, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे में हर साल 1977 से आईकॉम थीम डिसाइड करता है. जैसे कि मैंने पहले बताया, म्यूजियम है पूरी दुनिया के, वो एक सोच, एक थीम, एक विषय के साथ एक साथ काम कर सकें. और पूरे दुनिया में जितने म्यूजियम है, उस एक साथ उस फील्ड में, थीम में अपने आप को डेवलप कर सकें. तो इस सोच के साथ 1977 से आईकॉम एक अलग अलग तरीके की थीम देता आ रहा है. और अभी हम शायद 45वें साल में प्रवेश कर रहे हैं. और इस लंबे टाइम पीरियड में बहुत सारे म्यूजियम ने अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज की हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने म्यूजियम में डेवलप किया है. और जाना है, पहचाना है बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को अवेयर किया है उस सब के लिए, कैसे म्यूजियम काम करता है, किस तरीके की म्यूजियम की उपयोगिता है,
आम जनता के लिए, क्योंकि जो ये संग्रहालय हैं उसकी जो डेफिनेशन हैं जो आज से पहले दी हुई है, उसके अलावा उसका दायरा और बढ़ता जा रहा है समय के साथ में। लोग जान रहे हैं म्यूजियम को, म्यूजियम को समझ रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम में उसको यूज कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं अलग अलग इतिहास के लिए। तो क्योंकि मैं सिटी प्रेस म्यूजियम में काम करता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जो एक्टिविटीज हैं इस थीम को लेके, वो हमारा म्यूजियम कैसे उसके अंदर भागीदार बन रहा है, जो काम हमने किया है कैसे वो आईकॉम की अलग अलग थीम से कनेक्टेड है, मैं कोशिश करूँगा उसको इस वे में समझाने की। At first, I would like to share the functions of museum. People who are not actually connected to the museum, उनके लिए मैं जस्ट शॉर्ट समरी में बताना चाहूँगा म्यूजियम के क्या क्या काम होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। सो द फर्स्ट इज, वी कांट इमेजिन एनी म्यूजियम विदाउट द कलेक्शन। सो कलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब कलेक्शन म्यूजियम के अंदर आता है, चाहे वो डोनेट होता हो या कोई म्यूजियम परचेज करता हो या म्यूजियम का ही पार्ट हो या एक्सकर्वेशन से आता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन की होती है कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम उसकी जो अगर उसकी वॉट एवर कंडीशन ऑफ द आर्टिफैक्ट, वी ट्राई टू कंजर्व दैट फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेज, वॉट एवर इज पॉसिबल टू एनहेंस देयर लाइफ, टू एनहेंस देयर लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट और द मैन्युस्क्रिप्ट पेपर, वॉट एवर काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट इट इज, उसके लिए हमको कंजर्वेटर की जरूरत पड़ती है। एंड आफ्टर द कंजर्वेशन वी कीप दिस आर्टिफैक्ट इन द स्टोरेज फॉर सेफ कीपिंग। स्टोरेज के बाद में, क्योंकि म्यूजियम की जिम्मेदारी है कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट यू डोंट कांट कीप दैट इन योर कस्टडी, यू नीड टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद अदर्स। सो फर्स्ट वी विल डू द रिसर्च अबाउट दोस कलेक्शन और द आर्टिफैक्ट, व्हाट इज मेड फॉर द प्रोविनेंस, क्या व्हाट इज फ्रॉम वेयर दिस आर्टिफैक्ट केम फ्रॉम, क्या मटेरियल है, क्या डेट है, किससे बिलोंग्स करता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। देन वी डू एग्जीबिशन ऑफ दिस आर्टिफैक्ट सो दैट वी कैन शेयर आवर रिसर्च टू द ऑल कॉमन पब्लिक, यू कैन कम एंड विजिट द एग्जीबिशन एंड दे कैन एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन गेट गेन द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज अबाउट व्हिच इज हिडन इन। तो आफ्टर दैट जो एग्जीबिशन में नहीं आ सकते हैं द पीपल हू कांट विजिट द म्यूजियम, वी ऑल्सो डू सम पब्लिकेशन अबाउट द पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ द एग्जीबिशन। सो द पीपल हू कांट कम द म्यूजियम, दे कैन परचेज द बुक एंड द पीपल हू आर गेट इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द कलेक्शन एंड आर्टिफैक्ट, दे कैन गेट बाय द पब्लिकेशन एंड दे कैन गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च व्हाट वी हैव डन इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ द एग्जीबिशन। And after that, education is very important, actually a kind of a responsibility of museum. So, जब भी कोई exhibition होता है, कोई भी project होता है, कोई भी हम activities करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे उसके थ्रू हम education के field में काम कर सकते हैं, चाहे वो workshop के थ्रू या seminars, lectures के थ्रू हो जाए, कई बार जो fun उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं। एंड इन सब के साथ में artifact की security की भी museum की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है, आर्टिफैक्ट है, तो आप उसकी सिक्योरिटी पर काम कर रहे हो, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट आपके पास में दैट्स अ नेशनल ट्रेजर, तो यू कांट कीप दिस कलेक्शन विद यू, आपको वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर करनी है, दुनिया भर में शेयर करनी है। तो कोलैबोरेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दुनिया भर के म्यूजियम से कॉन्टैक्ट करें और आप अपना डेटा, अपना मटेरियल, अपनी इन्फॉर्मेशन जो आर्टिफैक्ट है उनसे शेयर करें, ताकि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन शेयरिंग नॉलेज का काम करता हूँ। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया थीम है उसको मैं सिटी प्लस के एक्टिविटीज बताने की कोशिश करूँगा, एक शॉर्ट समरी में सिटी प्लस म्यूजियम के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि सिटी प्लस म्यूजियम इज एक्चुअली रेजिडेंस ऑफ महाराणा ऑफ मेवाड़ फ्रॉम 16th century, Maharana Bhagat Singh Ji, who was the father of Maharana Pratap, very well-known emperor of Mewar. He started building this museum in 1559, and after that, even wise Maharana, who was born in Mewar, he had a contribution to this museum, palace, and he
बनाया. राइट नाउ दिस पैलेस म्यूजियम इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस ऑफ इंडिया, वन ऑफ द. एंड दिस पैलेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. वन इज कन्वर्टेड इन म्यूजियम एंड देयर आर टू हेरिटेज होटल्स एट द पैलेस. And in between this museum and hotel, there is a small area which was used by royal family as their residence. This building is actually used by, as I told you, that the pura Maharana Bazaar as a residence ke to use kiya gaya. So this building is actually witness of functions, incidents, activities which have happened in the palaces. Right from 16th century. So, jo bhi festival, ritual, function, wedding, procession, rituals, jo bhi aaj tak 1569 se hui hai, ye city palace sab ka samjhe ki sakshi raha hai. Aur ab jab ye museum aam janta ke liye khul gaya hai, to ye hamari zimmedari hai ki iski sari jankari jo bhi museum ke baare mein hai ya jo usne dekha hai, wo hum public se share kar sake. To अब म्यूजियम की अगर बात करें, जैसे मैडम ने कहा कि ये अतीत को संग्रह करने का एक बहुत बड़ा अच्छा साधन है, पर अब जो धारणाएं हैं जो जो डॉक्टर सर, एक मिनट आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी. सर आपकी वॉइस एक बार दोबारा चेक करें, यहाँ सुनाई नहीं दे पा रहा, आपका पीपीटी से ही समझ पा रहे हैं हम, आवाज बहुत गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा चेक करें प्लीज. सबके मैसेजेस क्योंकि उन तक भी आवाज नहीं पहुँच पा रही है. ठीक है मैम, मैं ट्राई करता हूँ. जी मैम, मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट. जी सर, टूटी टूटी आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है. पीपीटी एकदम साफ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही उसके साथ आपकी आवाज के कारण. जस्ट अ मिनट मैम, मैं ट्राई. हेलो मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ सर, थोड़ा सा तेज आवाज में, थोड़ा सा आप बहुत लो है वॉल्यूम, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो ठीक से आ जाएंगे, बेटर है पहले से. अभी बेटर है? ओके जी, बेटर है सर. और वॉइस को बढ़ाने से जी. तो मैं बात बता रहा था कि जो आइडिया है, जो दायरा है म्यूजियम भी पहले से बढ़ता जा रहा है, कि अब ऐसा भी माना जाने लगा है कि म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजों का संग्रह ही नहीं, बल्कि ये यादों को कलेक्ट करता है. मानव के अतीत की यादों को, चाहे वो उसकी कम्युनिटी है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो एक पूरी डायनेस्टी है या एक पूरा कल्चर है, तो इन सब की मेमोरीज को कलेक्ट करने का काम म्यूजियम करता है. तो पर ये जो सोच है, द आइडिया इज एक्चुअली स्टार्टेड क्वाइट अर्लियर इन द लाइफ ऑफ महाराणा. फॉर एग्जाम्पल, ये जो देयर इज अ स्मॉल रूम टू पैलेस, इट इज कॉल्ड चित्राम की बोर्ड. तो अगर आप इस पूरे रूम को देखेंगे, इसमें बहुत सारी वॉल मिरर्स हैं. तो ये एक्चुअली आज से 200 साल पहले महाराणा भीम सिंह जी के टाइम पे जो भी एक्टिविटी हुआ था, उन्होंने उसको यहाँ पे पेंट किया है. तो आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ द आइडिया ऑफ म्यूजियम और या आइडिया ऑफ गैलरी या एग्जीबिशन या डिस्प्ले का जो आइडिया है, वो शायद मेवाड़ के महाराणाओं के दिमाग में, उनके सोच में काफ़ी पहले आ गया था, इसलिए ये शायद रूम तैयार करवाया गया होगा. और आफ्टर दैट महाराणा भगवत सिंह जी donated a major part of this palace to the public, और उन्होंने created a charitable trust called Maharana Mehwar Charitable Foundation, who actually runs this museum from since 1969. तो ये उसी festival के उसी occasion के photographs हैं, जहाँ महाराणा भीम सिंह जी घोषणा, वो महाराणा भगवत सिंह जी घोषणा कर रहे हैं कि ये म्यूजियम का जो पार्ट है, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़, हु इज एक्चुअली करंट चेयरमैन एंड मेंटेनिंग ट्रस्टी ऑफ दिस ट्रस्ट, दे एक्चुअली इन्वॉल्व देमसेल्फ इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे वो कंजर्वेशन का काम हो, चाहे किसी भी नए फील्ड पर हम अगर काम करें, तो खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर उनको पूरी परमिशन देते हैं. और पूरा जो आप अभी म्यूजियम में आके जो भी आप देखेंगे, ये सब एक्चुअली उनकी सोच का, उनके विजन का नतीजा है. This slide is actually showing the areas which are conserved in this period, last from last 10 or 20 years. So
इस पूरे पार्क को, पूरे पैलेस गैलरी एरिया को कैसे कंजर्व किया करती थी, लाइव एक्चुअली शोइंग, आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि पहले क्या था और कैसे उसको कंजर्व करके उसको बेटर बनाया जाए ताकि लोग उसको आगे देख सकें, नॉट ओनली दी आर्किटेक्चरल पार्ट बट द गैलरीज, द एरियाज विच वाज यूज्ड बाय महाराणा एज अ रेजिडेंट. नाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दोज एरियाज इन एज अ डिफरेंट गैलरीज. तो ये फोटोग्राफिक गैलरी का स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे एरिया को कन्वर्ट किया जा रहा है. ये तो दूसरी पुरानी गैलरीज है, कैसे हमने उसको डेवलप करके अलग अलग वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन को बनाने की कोशिश की है. थिएटर म्यूजियम के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के कलेक्शन है. वी हैव स्टोन स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग्स, आर्म्स एंड आर्मर्स, टेक्सटाइल. वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ सिल्वर. वी हैव अराउंड 28,000 आर्काइवल फोटोग्राफ्स. देन वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स एंड मैप्स. एंड वी हैव सम वुडन फर्नीचर एंड अदर आर्टिफैक्ट्स एज वेल. These are some collection galleries of the museum, like sculpture, okay, right mein upar, there is a photographic gallery in your left. Niche music gallery aap dekh sakte hain, silver gallery is there. There are some other more galleries, but there are some temporary exhibit areas also, jahan chhoti exhibition thode time ke liye, for the short period of time we create some exhibition on a specific occasion, like Rajasthan Day or Independence Day. We have separate labs for different kind of artifacts, like we have individual lab for paper artifact, and we have a lab for textile collection. We have individual lab for weapons as well, metal ke liye. So samjhe ki alag alag tarah ke artifacts ko kaam karne ke liye humne bahut sare lab aur alag alag technology ko use kiya hai taki artifacts ki age ko badhaya jaye. Now let's come to the topic, power of the museum. तो ये जो टॉपिक है पावर ऑफ म्यूजियम, वो तीन अलग अलग पॉइंट्स में आईकॉम ने डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज एक्चुअली द पावर ऑफ अचीविंग सस्टेनेबिलिटी. तो जो शॉर्ट सर्किट जो एरिया हैं या जो सोशल इकोनॉमी है, कैसे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे जो एनवायरनमेंट में जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम आ रही है, कैसे साइंस के थ्रू हम उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस सोच के साथ में आगे चलना है. बताना है कि म्यूजियम की क्या शक्ति है, म्यूजियम कैसे उस सबको deal kar sakta. So what we have done in our museum, we invited the traditional craftsmen in our each and every kind of conservation work or any other project. For example, here you can see the arms lab, where we invited the traditional craftsmen, the sikligars and the swordsmiths and all. So they can come and they can do their traditional method to conserve the weapons first. और इनके करने के बाद में हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जो कंजर्वेटर्स हैं, उसके बाद में दे यूज देयर ट्रीटमेंट टू कोटिंग और उसकी प्रिजर्विंग के लिए या उसके जो लुक की है उस पर वो काम करते हैं. तो इस तरीके की एक्टिविटी हम हमारे सारे कलेक्शन के साथ में करते हैं. वी इनवाइट द ट्रेडिशनल पीपल फर्स्ट, तो ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, दे कैन गेट सम इनकम, सम सपोर्ट फ्रॉम द सिटी पैलेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, हर दूसरे साल जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें दे इनवाइट सेवरल क्राफ्टमैन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. दे कैन कम, दे कैन डिस्प्ले देयर वर्क, दे कैन शेयर देयर नॉलेज विद द पीपल हु आर इनवाइटेड फॉर दिस फेस्टिवल. आम जनता जो आती है उस टाइम पीरियड में म्यूजियम को देखने के लिए, तो वी क्रिएट, वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज a kind of a fair in the museum. वो अलग अलग तरीके के एक एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्राफ्ट को लोग देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज रियली अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय एमएसएफ. और ये तकरीबन शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2012 से चल रहा है और तकरीबन 4-5 से ये फेस्टिवल हम लोग कर चुके हैं. इट वॉज गेटिंग अ वंडरफुल रिस्पॉन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एज आई सेड, हम सिर्फ आर्टिफैक्ट के कंजर्वेशन ही नहीं बल्कि जो आर्किटेक्चर कंजर्वेशन है उसके भी काम के लिए वी इन्वाइट द ट्रेडिशनल मैसन्स. फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट यूज द सीमेंट एंड ऑल द मॉडर्न मटेरियल टू कंजर्व द बिल्डिंग एंड द डिस्प्ले एरिया. वी जस्ट यूज लाइम एंड लाइम प्लास्टर फॉर दैट. तो ये जो ट्रेडिशनल मैसन है, जो इस ट्रेडिशनल तरीके से आज से सालों पहले या समझिए कि शताब्दियों पहले जो काम किया गया है, उसी टेक्निक को यूज करते हुए हम अपने म्यूजियम के अलग अलग एरियाज को प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि जो आइडिया है, जो सोच है,
जो जो हिस्ट्री है इस टेक्निक के पीछे वो जो छिपी हुई है, जो दबी हुई है, जो इंफॉर्मेशन इनके पास में है वो सबसे शेयर हो सके, और म्यूजियम का जो बिल्डिंग है वो उसकी एक्चुअली हिस्ट्री जो उसका जो लुक है उसको खोए नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट के लिए भी वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड सम एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अभी क्रिएटेड स्मॉल एग्जीबिशन ऑन हरेलिया अमावस्या, ये ऑनलाइन है, आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेवाड़ के महाराणा कैसे एनवायरमेंट के लिए या जो 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 हरियाली है उसके लिए कैसे वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि उन्होंने अपने एरिया में किस तरह की एक्टिविटीज की, क्या उन्होंने एक्शन लिए, दिस ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन सी इन द एग्जीबिशन। द सेकंड पॉइंट इज द पावर ऑफ इनोवेटिंग ऑन द डिजिटलाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल की जो आज की नई टेक्नोलॉजी है कैसे हम उसको म्यूजियम को एक्सेसिबल बनाने के लिए, सुलभ जनता को समझ को बेटर बनाने के लिए, उनके लिए बहुत सुलभ बनाने के लिए कैसे म्यूजियम पे हम काम करें, किस तकनीक को हम यूज करें, तो इस सोच के साथ में हम अपने म्यूजियम में भी काफ़ी सारी चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए म्यूजियम गाइड मैप विच यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन विजिट द एंटायर म्यूजियम बाय योर ओन। आपको कोई गाइड करने की जरूरत नहीं, किसी इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, कैन कम यू कैन डाउनलोड पूरे म्यूजियम में इंडिविजुअल विजिट कर सकते हैं। इट्स रियली वंडरफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो क्रिएटेड सम ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप टू एट सम प्लेसेस ऑफ द म्यूजियम वेयर यू कैन गेट द आइडिया द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और द यूज ऑफ यूज एंड यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंट एरिया। हालांकि ये अभी डेवलपमेंट के स्टेजेस में, बट वी क्रिएटेड सम apps and activities at our museum. Apart from that, we have shared some brochures and trails at our website. So you can digitally download kar sakte hain. You can get an idea about the collection, kis tarah ki material museum mein hai, kaise aap museum ko better way mein visit kar sakte hain. And also you can get some resources for the people with the autism spectrum. रिसेंटली हमारी टीम ने तैयार किया है, तो दे कैन गेट एन आइडिया कि क्या एरिया उनके लिए सुटेबल है या कौन से एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दिस पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफैक्ट। सो दिस रिसोर्सेज रिसेंटली कैटर्ड बाय आवर टीम फॉर द पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम फॉर द विजिटर्स, for the museum we purchased a museum software called TMS, the museum system. We actually abhi world mein collection management system ke hisab se sabse advanced software hai, where you can get an a proper research for that, you can get better searches for all different kind of activities. Aap usme sara data compile kar sakte hain, jo directed hai, exhibition hai, collection hota hai, aur bhi activities hai. तो ये सिटीप्लस की एक अच्छी पहल है, और सिटीप्लस म्यूजियम आकर थोड़ा सोचो हूँ परचेज टी एम एस एंड अब भारत के म्यूजियम जो म्यूजियम है उसको सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर परचेज करके उसको यूज कर। वी ऑल्सो क्रिएट सम ऑनलाइन एग्जीबिशन फॉर द पीपल हु कांट विजिट द म्यूजियम बट वांट टू नो अबाउट द वेरियस कलेक्शन, जो इंफॉर्मेशन इज कलेक्शन वेरियस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो पब्लिक म्यूजियम में आती है, जो देखती है, नॉट ओनली पैनल्स, जो पैनल्स और कैप्शन तो होते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो क्रिएट अ स्मॉल वीडियो दैट आवर मोस्ट ऑफ द गैलरी, तो जो मल्टी सेंसरी पीपल हैं वो दे कैन गेट अ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं म्यूजियम के अलग अलग गैलरी की कलेक्शन के बारे में। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी हैज डन several places. The third topic है the power of community building through education. Education म्यूजियम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, म्यूजियम की जो डेटा जो इंफॉर्मेशन म्यूजियम के पास है मोस्ट नेसेसरी के वो आम जनता तक शेयर हो, नॉट ओनली द पीपल हु कैन कम बट फॉर द पीपल हु कांट कम, डोंट नो अबाउट द लीव इन द रूरल एरियाज, हु हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज ऑफ स्पेशल लेवल पीपल, तो वी ऑल्सो वॉट टू फॉर इन दैट फील्ड।
फॉर एग्जाम्पल वी ऑर्गेनाइज वेरियस काइंड ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन द स्कूल और एंड द रूरल एरिया वी इनवाइट देम इन द देयर विजिट टू इट्स ऑलवेज फ्री टू ऑन द स्पेशल ओकेशन लाइक विजन डे एंड द चिल्ड्रन डे लाइक दैट एंड वी ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज फॉर देम लाइक स्टोरी टेलिंग और पेंटिंग और some other small fun workshop kind of thing. And we also create special exhibitions for them. For example, once we have displayed 6 feet long fur in our museum, we have done a lot of fun activities for children to take care of them. So, fur mein jo history chiti hai, information chiti hai, kahaniyan chiti hai, so that they can explore and they can get the feel of उनके लिए हम लोगों ने कुछ फन एक्टिविटी तैयार करी जिसमें beautiful museum related artifacts in sand bed. They can do some painting, numbers related activity, colors related activity. So that for them. It was a wonderful experience for us also, because museum is not only for the normal people, the people who have some kind of disability, we should also work for them. So they can get an idea about how museum work, which kind of artifacts museum have, or kaise sab तरीके की एक्टिविटीज म्यूजियम के अंदर होती है आम जनता के लिए. तो भी ऑर्गेनाइज फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल. म्यूजियम की जिम्मेदारी ये भी है कि वो सिर्फ चार दीवारी में ही अपने बच्चों को नहीं रखे, तो चार दीवारी से बाहर लेके भी आना होता है, तो वो लोग उसके अंदर नहीं आ सकते. तो फॉर एग्जाम्पल वी डिस्प्ले सम ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पैलेस, वेरियस एरिया ऑफ द पैलेस एट एन ओल्ड प्लेस. फॉर एग्जाम्पल ये जो फोटोग्राफ है वो आज तकरीबन 100 साल पुराना है, एंड वी हैव डिस्प्लेड दिस फोटोग्राफ एट राइट हियर आउटसाइड ऑफ द पैलेस, जहाँ पे अभी इस जो फोटोग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं. इस फोटो को हम लोगों ने वहीं पर डिस्प्ले किया. सो दैट पीपल कैन गेट एन आइडिया के हाउ द यूटिलिटी वाज चेंज, दैट एरिया को कैसे पहले यूज किया जाता था और अब कैसे उसको यूज किया जा रहा. तो इसका बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड पीपल ऑल्सो वेरी मच अप्रिशिएटेड दिस Pakistan. And not only museum ke baar, but we also create a small exhibition outside of the city. For example, Delhi ke Johar Bagh ke metro station hai. Here we displayed our sculpture collection. Uske photograph ka jo detail hai, humne wahan pe share kiya, because so many people are very much busy in their life. They can't come, wo bhagte rehte hain apni duniya mein, dhoorte rehte hain train aur bus ke chakron mein. So we displayed our artifact at railway station, the metro station at Delhi. So they can also get information about kis tarike ke artifact city plus museum mein hai, kya hamari history hai, kya history hai. Community involvement ke liye we last year we organized a small exhibition where we invited vintage photographs of Udaipur from the people of Udaipur. So log Udaipur mein rehte hain, unse humne unke purane photographs mangwaye taki वो अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर कर सके और हमको भी जानने को मिले कि क्या पहले था, क्या कैसे लोग लाइफ जीते थे. तो पीपल सेंड नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स एंड वी गेट अ स्मॉल एग्जीबिशन विद दीज काइंड ऑफ फोटोग्राफ. उसमें आप कुछ फिल्म्स ने आप शेयर किए हैं. दिस एग्जीबिशन इज स्टिल ऑन सोशल मीडिया पेज. इफ यू विजिट आवर इंस्टा पेज यू कैन स्टिल गेट कैन सी दिस एग्जीबिशन ऑन देयर. And our conservation staff also created small videos for the people to take care of their personal heritage, उनकी personal जो antiquities हैं वो उसे कैसे preserve करके रख सकते हैं, कैसे उसको care कर सकते हैं. So they have created some small videos also for that, कि आप कैसे आप किताब अपनी जो books हैं पुरानी आप उसको कैसे उसका care कर सकते हैं, या फिर photographs हैं, paint हैं, paintings आपके घरों में आप कैसे उसको डिस्प्ले करना चाहिए, आपको कैसे उसकी लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखने की है, कैसे आपको वेदर या लाइट और सबको आपको ध्यान रखना पड़ता है. तो इस तरीके के वीडियोज भी है शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया पेज,
If you can visit our Insta and the Facebook page, you can definitely get an idea about all these videos and information. We also organize so many lectures and workshops on different topics like weapons, the wall murals, the high kind of work, and some other fun activities. So they can people who can't come to the museum, COVID के बात करते हैं उसमें जब लोग आ नहीं पा रहे थे तो उनके नॉलेज के लिए भी क्रिएटेड योर नेक्स्ट दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप एंड लेक्चर एंड वी आल्सो शेयर क्रिएटेड सम गेम्स ऑन सोशल मीडिया सो जिससे पीपल कैन गेट अ फन एक्टिविटी ऑन देयर मोबाइल बिकॉज बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के कामों में बहुत बिजी रहते हैं तो दे कैन डू थिंग्स एंड दे कैन गेट आइडिया द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन ऑफ म्यूजियम फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में हम लोगों ने बहुत ओल्ड फोटोग्राफर्स हैं उनके नाम को हमने कुछ पाके रखा फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी हमने किया म्यूजियम के अलग अलग एरियाज में जो लोग विजिट करते हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज तैयार की सिटी म्यूजियम ऑल्सो ऑर्गेनाइज द हेरिटेज वॉक्स एट जयपुर Because so many information we have, we try to share those data, the research, with the people. So Ahar Zone, Mewar ki, one of the oldest capital hai. Wahan pe bhi humne aaj heritage walk to people get an idea about the history of this place. We also have so many catalogs of our different kind of collection, like. We have catalog of archival photographs, sculptures, paintings, silver artifacts, and we are also working for some more, which are supposed to be displayed soon in the museum. So, अपने talk के end में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि museum की जो social responsibility है, वो बहुत बहुत ज़्यादा है. जो idea जिसे पहले museum का माना जाता था, कैसे हम उसको म्यूजियम में इन्वॉल्व करें और पीपल कैन गेट बेटर एक्सपीरियंस लाइक चाहे वो वीडियो की बात करें चाहे वो टच स्क्रीन की बात करें या डिफरेंट काइंड ऑफ आजकल बहुत सारी डायमेंशनल एक्टिविटीज म्यूजियम में की जाती है तो हाउ वी कैन इन्वॉल्व दोज टेक्नोलॉजी इन आवर म्यूजियम टू एजुकेट पीपल टू गेट देयर एक्सपीरियंस मोर बेटर सो दिस इज रियली अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी म्यूजियम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट वी नीड टू क्रिएट जॉब इन द म्यूजियम सेक्टर सो दैट पीपल कैन गेट see their career in this field, they can work, the new generation can work for the heritage sector. So, ये एक और जिम्मेदारी है कि कैसे हम नए projects को लेके आएं, कैसे museums को आम जनता से connect करें, so that people, the new generation जो है, वो ये इस field को अपना as a career choose करें. We need to create more customers. ये भी जिम्मेदारी है कि वो continue अलग अलग तरीके की activities करती रहें. Because मैं इस सिटी पर म्यूजियम की अगर बात करूँ तो भी मैं सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज पूरे साल कर रहे हैं बिकॉज सो मैनी अदर पीपल ऑफ जयपुर आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द म्यूजियम ऑन द म्यूजियम बिकॉज फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी क्रिएट न्यू एग्जीबिशन तो जनता उसको म्यूजियम को देखने के लिए आती है एक्टिविटी को या एग्जीबिशन को या वर्कशॉप को तो जो शॉप्स हैं म्यूजियम के अराउंड सीनियर शॉप्स हैं या और जो उनको इनकम होती है जो ऑटो वाले हैं टैक्सी वाले हैं होटल्स जो हैं जयपुर की जो ऑल्सो गेट कस्टमर तो म्यूजियम की जिम्मेदारी है कि कैसे उनके लिए अपन हम काम कर सकें क्योंकि म्यूजियम की जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ को डिस्प्ले कर दिया और आपका काम हो गया वो कैसे कंटिन्यू उसको चेंज करती रहे कैसे उसको डेवलप करती रहे ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है वी नीड टू इंस्पायर पीपल टू वर्क फॉर द हेरिटेज चाहे वो किसी भी तरीके से हो चाहे आप वो हिस्ट्री के थ्रू करें चाहे वो जनता की जो उनका जो पर्सनल कनेक्शन है चाहे वो आर्टिफैक्ट्स के थ्रू हो या उनकी जो हिस्ट्री है या उनकी जो जानकारी है उसके थ्रू
उनको इंस्पायर करने की जरूरत है कि लोग म्यूजियम में आए, उनके बच्चों को लेके आए और वो जाने क्योंकि उनकी किताबों में जो नॉलेज है वो म्यूजियम में कैसे हम उसको शेयर कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अटैचमेंट करना होगा म्यूजियम के साथ में लोगों का, ताकि जैसे कि चाहे वो अगर माणा प्रताप का एग्जाम्पल दे तो चाहे वो लोग एरिया को या दूसरे को देखते आए कि हाँ ठीक है महाराणा जो प्रताप है उनका आर्टिफैक्ट यहाँ पे दिखते हैं, कैसे निर्माण के महाराण ने मतलब सिटी का डेवलपमेंट किया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। हमारे एरियाज में सिटी के जो लोग हैं या आस पास के जो लोग हैं कैसे मेवाड़ का डेवलपमेंट हुआ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को मिल सके। तो सेल्फ अटैचमेंट हमको किसी मन को काम करने की जरूरत है। और जो सोच है आजकल के लोगों की भी तो इम्प्रूव दैट कि म्यूजिक फिल्म में क्या करना है, बहुत ज़्यादा कैरियर नहीं है या फिल्म में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, वी टू चेंज द थॉट कि ऐसा नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजीज हैं चाहे साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें या और दूसरे फील्ड की बात करें, वी नीड टू इन्वॉल्व ऑल दिस फील्ड इन द म्यूजियम कि उनकी इंफॉर्मेशन है चाहे वो जियोलॉजिकल है, हम कैसे म्यूजियम के जो मटेरियल है चाहे वो स्कल्पचर हो या जो स्टोन है कैसे उनके आइडिया म्यूजियम में डाल सकें, या किसी मुझे कि और कोई भी फील्ड हो चाहे इकोनॉमिक के डिपार्टमेंट है या जो सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट है, कैसे वो म्यूजियम में कैसे उनका आइडिया उनके सब्जेक्ट का जो सोच है वो कैसे हम उसको म्यूजियम के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने एग्जीबिशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वी नीड टू चेंज द थॉट कि ना म्यूजियम एक्चुअली हर विषय का हर फील्ड का आजकल होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को ही कलेक्ट करके रखता है, किधर किसने रखा, हर दुनिया में हर फील्ड का म्यूजियम बनने लगा है। और मेरी इंक्रीज द इंटरेस्ट इन रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूजियम में बहुत सारे फील्ड अभी ऐसे हैं इसमें शोध की संभावनाएं हैं, चाहे वो बिल्डिंग की बात करें, चाहे वो कलेक्शन की बात करें, चाहे जो पब्लिक जो आते हैं अलग अलग विजिटर, अलग अलग सेगमेंट हैं चाहे वो बच्चे हो गए चाहे वो बूढ़े हो गए, उन सब के लिए कैसे नए इन्वेंशन नए इनोवेशन जो है दुनिया में कैसे उसको म्यूजियम में इन्वॉल्व करके उनके जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर कर सकें, तो इस तरीके की सोच के साथ में हमको काम करने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली सोशल अवेयरनेस इज मोस्ट फॉर देयर टू प्रिजर्व द हेरिटेज चाहे म्यूजियम से रिलेटेड हो चाहे सिटी से रिलेटेड हो, तो इस फील्ड में हमको काम करने की जरूरत है। तो सिटी पैलेस म्यूजियम पिछले काफ़ी वर्षों से अलग अलग आइडिया और सोच के साथ में काम कर रहा है, एंड वी हैव अ गुड टीम ऑफ क्यूरेटर्स कंजर्वेटर्स एंड एनएमसीएफ आल्सो गिव अस अ वंडरफुल सपोर्ट टू बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बेहतरीन एक्सपर्ट टॉक के लिए। हालांकि आपकी आवाज मैं इसे एडमिट करना चाहूंगी कि बहुत कम हम तक पहुंच पाई, टूटी टूटी पहुंची, लेकिन जितनी भी पहुंची आपके पीपीटी ने उसे पूरा सपोर्ट किया और हमें समझ में आ गया कि आप क्या संप्रेषित करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। जब आप दिखा रहे थे जिस तरह से स्वॉर्ड्समिथ्स काम कर रहे थे हथियारों को सुरक्षित करने के लिए, वो मैंने देखा, मैंने जाना कि म्यूजियम सिस्टम सबसे पहले उदयपुर सिटी पैलेस द्वारा अडॉप्ट किया गया है, हम उसके बारे में और कभी आपसे जानकारी लेंगे। और जैसा कि मैं पहले बातचीत कर रही थी कि संग्रहालयों की स्थापना के बीच आधुनिक भारतीय इतिहास में पड़े, इसी कड़ी में बताना चाहूंगी कि 20वीं शताब्दी में संग्रहालयों की स्थापना का काम और तेजी से आगे बढ़ा।
ईस्वी 1914 में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ईस्वी 1920 में भारत कला भवन बनारस, हिंदू विश्वविद्यालय संग्रहालय वाराणसी, ईस्वी 1929 में बॉटनिकल म्यूजियम इंदौर और 31 में इलाहाबाद संग्रहालय आदि संग्रहालयों की स्थापना हुई। आधुनिक भारत के निर्माता ये अच्छी तरह जानते थे कि भारत का ऐतिहासिक अतीत कितना गौरवशाली है, वे इसकी समृद्धि, इसके महत्व तथा भावी पीढ़ियों के लिए इसकी उत्सुकता से भी भली भांति परिचित थे। उन्हें संग्रहालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के निर्माण करने की प्रासंगिकता का भी ज्ञान था। संग्रहालयों की ये यात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने कलेवर और विषय वस्तु में और बड़े परिवर्तन करेगी, ऐसी हमारी कामना है। आपको बताना चाहूंगी कि बीकानेर यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही सक्षम हाथों में है, क्योंकि उसका निर्देशन हमारे कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह के साथ है। और अभी पीछे जो निर्देश मुझे मिले हैं कुलपति महोदय की तरफ से, तो हम भी बीकानेर के जो राजवंश हैं उनकी पूरी हिस्ट्री को यहाँ एक गंगा सिंह जी पर केंद्रित, क्योंकि विश्वविद्यालय है महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर, इस विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा है, चलता है और नाम दिया गया है, तो हम एक गैलरी महाराजा गंगा सिंह बीकानेर पर उस म्यूजियम में स्थापित करने की पूरी पूरी तैयारी कर चुके हैं। और उसके अलावा बीकानेर के इतिहास को भी उसी तरह से चित्रित किया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके लेक्चर से मुझे सीखने को मिली, हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे और आपका सहयोग, आपके सिटी पैलेस म्यूजियम का सहयोग, पूरी संस्था का मैं तो धन्यवाद ज्ञापन करूंगी कि उन्होंने आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए भेजा और इस बात की अनुमति आपके अधिकारियों ने उसे दी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रियासती काल में राजा महाराजा, जैसा कि आपने स्वयं बताया है, कुछ मेरी भी स्टडी थी जो मैं नोट करके लाई थी, कि अपने पुरखों के चित्रों, तलवारों, बंदूकों, भालों, घालों, पालकियों, रथों, कवचों, तुणीरों, वस्त्राभूषणों आदि विविध राजसी सामग्री को नष्ट नहीं करते थे, उन्हें एक स्थान पर संजो लिया करते थे ताकि उन पुरखों की स्मृति बनी रहे। इन संग्रहालयों तक जन सामान्य की पहुंच नहीं होती थी, ये केवल राजसी व्यक्तियों द्वारा देखे जाने के लिए होते थे। इस तरह के संग्रहों का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास और साहित्य में भी हुआ है। किंतु आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यशस्वती कुलपति महोदय का मानना है कि संग्रहालयों को आम जन और खासकर युवा वर्ग से जोड़ने की महती आवश्यकता है, और आपने अपने पीपीटी में इसे बताया कि किस तरह से एजुकेशन के साथ आपने चिल्ड्रंस डे पे प्रोग्राम किए हैं, आप पोस्टर्स दिखा रहे हैं, आपने दिल्ली में मेट्रोज में आप उसका प्रदर्शन कर रहे हैं वस्तुओं का, तो ये वाकई किस तरह से हम युवा वर्ग को संग्रहालय से जोड़ सकते हैं, इस बात को साबित करती हुई आपकी पीपीटी थी। बहुत खूबसूरत व्याख्यान, बहुत खूबसूरत टॉक, और अब बहुत आदर के साथ हाथ जोड़कर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति महोदय को, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपका ये लेक्चर सुना है। आमंत्रित करती हूँ माननीय कुलपति महोदय को, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर, कृपया अपने आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे फोन में बैटरी थोड़ी कम है, इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूं, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप सभी उपस्थित और जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सबको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संग्रहालय और प्रलेखन केंद्र एवं सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में संग्रहालयों के महत्व और शक्तियों पर आधारित ऑनलाइन विशेष वार्ता में उपस्थित महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हसमुख सेठ जी, हमारे सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मेघना शर्मा जी, आयोजन से जुड़े हुए समस्त अतिथिगण, शोधार्थी, विद्यार्थी व सिटी पैलेस संग्रहालय से जुड़े हुए समस्त सम्मानित सदस्यों का मैं विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह अनूठा अवसर जब विश्वविद्यालय के संग्रहालय एवं प्रलेखन केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की पहल की है,
यह श्लाघनीय प्रयास है। इसके लिए डॉक्टर मेघना शर्मा को कोटिशा धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद 1977 से ही हर साल 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन करती आ रही है। विश्व स्तर के सभी संग्रहालयों को एक साथ जोड़ने का यह प्रयास अद्वितीय रहा है। 45वें वर्ष में प्रवेश करते इस आयोजन में विश्व के सभी संग्रहालय भाग लेते हैं। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन तथा लोगों के मध्य आपसी समझ, सहयोग एवं शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है तथा इसी विषय में लोगों को जागरूक करने तथा समझाने के लिए इस महत्वपूर्ण दिवस तथा गतिविधि का आयोजन किया जाता रहा है। हर वर्ष यह संस्था एक खास विषय अथवा मुद्दे को विश्व के पटल पर उद्घोषित करती है, जिससे संबंधित गतिविधियां सभी संग्रहालयों द्वारा अपने अपने संग्रहालयों में आयोजित की जाती हैं तथा मानव समुदाय को इस विषय पर विशेष जानकारी दी जाती है। इस वर्ष का विषय है पावर ऑफ म्यूजियम अर्थात संग्रहालयों की शक्ति। इस विषयांतर्गत संग्रहालय के क्रियाकलापों से किस प्रकार आम जनता को अवगत कराया जाए जिससे उनके ज्ञान वर्धन में सहयोग प्राप्त हो, किस प्रकार विज्ञान व तकनीक का उपयोग संग्रहालय की समझ को बेहतर बनाने में उपयोग किया जाए आदि प्रश्नों से संबंधित गतिविधियों पर के क्रियान्वयन पर विचार करना करने का मन बनाया गया था। वर्तमान में संग्रहालय केवल प्राचीन वस्तुओं के संग्रहण ही नहीं रह गए, इनकी उपयोगिता तथा दायित्वों में वृद्धि हुई है। अब विश्व में हर विषय से संबंधित संग्रहालयों के निर्माण किए जा रहे हैं, जैसे विज्ञान संग्रहालय, मानव संग्रहालय, रेल संग्रहालय, सेना से संबंधित संग्रहालय आदि। अर्थात सीधे शब्दों में संग्रहालय का दायरा बढ़ा है तथा निरंतर विस्तृत हो रहा है। संग्रहालयों को शिक्षा में तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा कई स्कूलों तथा कॉलेजों में भी संग्रहालय को जानना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तो जैसे संग्रहालय का अर्थ है, अर्थ ही आसान शिक्षा माना जाने लगा है। हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकार अपने परिवार व समाज में संग्रहालय के प्रति जागरूकता लाएं। अब संग्रहालय को मानव जाति की यादों का, स्मृतियों का संग्रहण न कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी तथा यह सही भी है। हम अपने अतीत को संग्रहालय में संरक्षित व संग्रहित देख सकते हैं। संग्रहालय जिसका ध्येय है कि इन स्मृतियों को अगले 100 या उससे अधिक वर्षों तक सहेज कर रखा जा सके, जिससे आने वाली पीढ़ियां इनके विषय में जान सकें व लाभान्वित हो सकें। हमें केवल इतना ही करना है कि सभी को जागरूक करना है कि आमजन संग्रहालय में आए, देखें, जानें, समझें तथा दूसरों के को प्रेरित करें कि वे भी संग्रहालय आए, क्योंकि संग्रहालय स्वयं के लिए नहीं, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर हंसमुख जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर मेघना शर्मा जी को अपने प्रयासों के लिए हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। वे इसी प्रकार अपने क्रियाकलापों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता लाने के लिए निरंतर प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, आपकी हमारे लिए संबल का विषय है और आप इसी प्रकार हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे आपके साथ और उन्नत इस कार्यक्रम को हम स्तर पर ले जा सके। बहुत बहुत आभार पुने पुने आप जुड़े, आपने अपना समय दिया। मैं बताना चाहूंगी कि सर लखनऊ से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो आप देखिए कि हम राजस्थान से भी बाहर से जो है कुलपति महोदय ने हमें समय दिया है, व्यक्तिगत समय था उनका, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हामी भरी और उन्होंने बहुत मुस्तैदी से कहा कि मैं इसके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत आभार सर।
अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हूं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चेल्सिया सेंटोस, आप भी सिटी पैलेस म्यूजियम की अधिकारी हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मिस चेल्सिया सेंटोस इज असिस्टेंट क्यूरेटर एट द सिटी पैलेस म्यूजियम महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर। She is passionate about access, inclusion and community engagement and loves creating resource material and engaging educational content for and with her audiences. I now invite Ms. Chelsea to deliver the formal vote of thanks. Thank you, Dr. Sharma, for that warm introduction. It's really a pleasure to be here today, to be able to listen to Professor Vinod Kumar Singh, Dr. Meghna Sharma, as also Hasmukh Seth, who's a very dear colleague. It has truly been our honor, the City Palace Museum, Mana Mewar Charitable Foundation, to be able to collaborate with the Center for Museum and Documentation, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan. At the very onset, a very happy International Museums Day to all of you. I loved how Hasmukh highlighted through his presentation what we have been doing. It's very nice for a change to sit back and look and appreciate the kind of work that we have been doing at our museum. And to each of you who hasn't come to the City Palace, I would encourage you to take this day, if not visit us, visit a museum that is nearby and celebrate these institutions that really thrive because of people like you and I. I would like to also look back and congratulate Hasmukh for the way he has showcased our museum, the City Palace, and it's the way in which it has showcased the power of museums in its own way. And I wouldn't take too much of your time, but I would just like to end. Visit the museum, visit institutions in similar fashion, and encourage and celebrate these institutions on this occasion. Thank you so much once again. That's all for me. थैंक यू सो मच मिस चेल्सिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष कुलपति महोदय का, जिन्होंने समय निकाला, डॉक्टर हसमुख जी हाँ, जिन्होंने तैयारी की। उनके जहां मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो वो बता रहे थे कि सिटी पैलेस म्यूजियम का सुबह भी एक कार्यक्रम है और शाम को भी एक कार्यक्रम है, और इस बीच 12 से 2 के बीच मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आप भी हमें समय देंगे इस कामना के साथ। मैं स्पेशली डॉक्टर मयंक गुप्ता साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस मंच से, जिन्होंने इस बात के लिए हमें तैयारी की और इस बात के लिए वो तैयार हुए, मानसिक रूप से तैयार हुए, और उन्होंने अनुमति भी दी, उन्होंने अपनी अपनी शेयरिंग भी की कि हम सिटी पैलेस म्यूजियम के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहेंगे। हालांकि मैं तो हसमुख सर से बात कर रही थी, उनका व्याख्यान करना चाह रही थी सेंटर की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से आगे होकर के कहा कि क्यों ना हम ज्वाइंट कोलैबोरेशन में इस कार्यक्रम को करें, तो ये उन्हीं का इनिशिएटिव था। तो मयंक गुप्ता जी चूंकि हमारे साथ अभी जुड़े हुए नहीं है, लेकिन मेरा संदेश हसमुख सर और चेल्सिया जी उन तक पहुंचा देंगे। इसी कामना के साथ आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी इसी प्रकार सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन के कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे। सभी विद्यार्थी, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।